अहमदाबाद के फेमस दाल वड़ा, जिसे मूंग दाल के पकोड़े भी कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कप जितना मैंने मूंग दाल लिया है छिलके वाला, उसके अंदर पानी डाल के धोकर उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब पानी डाल के फिर से हम उसको 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 5 घंटे के बाद हमें इस तरीके से दोनों हाथों से छिलके निकाल लेना है, और छिलके ऊपर आ जाएंगे तो पानी उसका निकाल लेना है। थोड़े से छिलके हम रहने देंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा है। और अब हम लेंगे मिक्सी, मिक्सी के अंदर थोड़ा सा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च डाल के हमें कोर्स फोम का बैटर रेडी करना है। इस टाइप का हमें पूरा पाउडर फोम नहीं करना है, कोर्स थोड़ा सा रखना है। उसके अंदर 2 चम्मच बेसन डालेंगे और उसको एक ही डायरेक्शन में 10 या 15 मिनट तक अच्छे से फेंट के इसका कलर चेंज होने तक फेंटेंगे। अब इसके अंदर नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा धनिया डाल के थोड़ा सा हींग भी डाल लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब बैटर रेडी है, तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल मीडियम फ्लेम पर ही रखें और इसके अंदर सारे पकोड़े इस तरीके से डाल लीजिए और थोड़े से ब्राउन होने तक पकाएं और इन्जॉय कीजिए। आप इसे कढ़ी के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी इन्जॉय कर सकते हो।